बता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा। पाकिस्तान की तारीख में जिस गुलकार को प्रिंस ऑफ पॉप का खिताब दिया गया वो नाम हसन जहांगीर का है। हसन जहांगीर के गीत सुनते हुए नस्लें जवान हुई। उनके गीत हवा हवा ने पूरी दुनिया में शोहरत पाई, गोया इसी गीत ने उन्हें अमर किया। हसन जहांगीर ने अपने स्टारडम को बहुत इंजॉय किया। पॉप सिंगर्स के झुरमट में जिस तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई वो काबिले तहसीन है, लेकिन उनके लिए ये सफर किसी तौर आसान न था। हसन जहांगीर 1 जुलाई 1962 को रोशनियों के शहर कराची में पैदा हुए। वो बचपन से ही तख्लीकी सलाहियतों के मालिक थे। उन्हें मुसव्वरी करने का शौक था, जिसकी तकमील के लिए वो अपने पसंदीदा लोगों की तस्वीरें बनाते थे। उन्होंने अपने कमरे में आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर मोहम्मद अली और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के पोर्ट्रेट बना रखे थे। जब हसन जहांगीर मुसव्वरी करने में मसरूफ होते तो उनके पास मौजूद रेडियो से गीत बजते, जिससे उन्हें यकसुई हासिल होती। तहम गुजरते वक्त के साथ साथ उनके दिल में ये ख्याल पैदा होने लगा कि इस रेडियो में कैसे खूबसूरत लोग मौजूद हैं जो इतना सुरीला गाते हैं। चुनाचा उन्होंने उन लोगों को देखने के लिए रेडियो तोड़ डाला, मगर उन्हें उस वक्त हैरत हुई जब रेडियो में से कोई भी नहीं निकला। अलबत्ता उन्हें इस हरकत पर अपनी वालदा से डांट जरूर पड़ी। इस वाकये के बाद हसन जहांगीर ने अपनी तवज्जो मुसव्वरी से उठाकर गुलकारी की जाने मबसूल कर ली। जब हसन छठी जमात में थे तो उनके स्कूल में अलविदाई पार्टी हुई, जिसमें उन्हें पहली बार गुलकारी का मौका मिला। चुनाचे उन्होंने साथी तालिब इल्म के हमरा उस वक्त के मारूफ गुलकार ए नैयर का मकबूल तरीन गीत प्यार तो एक दिन होना था डुएट में गाया। उनकी मधुर आवाज सुनकर पूरा स्कूल झूम उठा और इस तरह हसन जहांगीर की पहली ऑन स्टेज परफॉर्मेंस शानदार रही, जिससे उनके अंदर गुलकार बनने का हौसला और यकीन पैदा हुआ। जो तोड़े उससे लाइफ में कभी ना मिलो, हटो बचो, दिल जो दुखाए ऐसी बातें कभी ना कहो, हटो बचो। पेंट और ब्रश छोड़कर माइक थामने वाले हसन जहांगीर ने गुलकार बनने के लिए दर दर की खाक छानना शुरू की। उन्हें नहीं मालूम था कि कौन उन्हें गुलकारी सिखाएगा। तहम एक तवील तलाश के बाद उन्हें एक म्यूजिकल ग्रुप मिला जो शादी की तकरीबात में परफॉर्म करता था। चुनाचे हसन जहांगीर उनके साथ बतौर छोटू शामिल हो गए, जो परफॉर्मेंस के लिए जाने वाले ग्रुप के आलाते मौसीकी गाड़ी में लोड करवा देते थे और उन्हें इस मुशक्कत के वज हारमोनियम पर 2-3 गीत रिकॉर्ड करवाने का मौका मिल जाता। एक बार हसन जहांगीर म्यूजिकल ग्रुप के साथ गए, जहां उन्हें पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला। हुआ कुछ इस तरह के इस ग्रुप के कुछ आर्टिस्ट गैर हाजिर थे, जिसकी वजह से ये तय पाया कि हसन को परफॉर्म करने दिया जाए। ये बात सुनकर हसन की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने अच्छे कपड़े, कीमती घड़ी और जूती पहनी, जो उनके साथ आए फनकारों ने उतरवा ली और उसे पहनकर स्टेज पर परफॉर्म करने चले गए। जब हसन जहांगीर की बारी आई तो उनसे पूछा गया कि वो कौन सा गीत गुनगुनाएंगे, जिस पर उन्होंने किशोर कुमार का मकबूल तरीन गीत मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए गाने का फैसला किया। जब हसन स्टेज पर पहुंचे और गीत गाया तो उन्हें गैर मुतवक्का तौर पर इतना शानदार रिस्पांस मिला। उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो आज के स्टार हैं। इस रिस्पांस की बुनियाद पर म्यूजिकल ग्रुप ने उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया और परफॉर्म करवाने लगे। 50 से 60 रुपए मिलते थे, जिससे उनका गुजर बसर हो जाता था। इन परफॉर्मेंसेज की बुनियाद पर हसन जहांगीर का नाम बन गया और लोग उन्हें जानने लग गए, जिस पर हसन जहांगीर ने सोचा कि उन्हें स्टेज पर अच्छा दिखने के लिए अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहिए। चुनाचे उन्होंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दी और इसके साथ साथ उन्होंने गैर रिवायती गुलकार बनते हुए जीन्स, जॉगर्स, बालों का स्टाइल, स्कार्फ और रात के वक्त चश्मा लगाना शुरू किया, क्योंकि उस दौर के गुलकार सूट टाई पहनकर निहायत मुहज्जब अंदाज में गुलकारी करते थे और ये अंदाज हसन जहांगीर को नापसंद था, जिसके बाद उन्होंने मुनफरिद अंदाज अपनाया। उस दौर में मोहम्मद अली शेखी और आलमगीर जैसे बड़े पॉप सिंगर्स अपनी बरतरी कायम किए हुए थे। हसन जहांगीर ने इन पॉप सिंगर्स की बढ़तरी खत्म करने के लिए बकायदा मुतालिया करना शुरू किया, जिससे उन्हें ये मालूम हुआ कि इन गुलकारों में से कोई भी ऐसा नहीं जो एंटरटेनमेंट का मुकम्मल पैकेज हो। हसन जहांगीर को माइकल जैक्सन ने बेहद मुतासर किया, चुनाचे उन्होंने माइकल जैक्सन को अपनी इंस्पिरेशन बनाते हुए उनकी तकलीफ शुरू कर दी। हसन जहांगीर ने 80 की दहाई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए गीत बनाया, जब उन्हें इंजरी होने की बिना पर टीम से निकाल दिया गया था। उनके इस फैसले पर लोगों ने शकूक
को शुभहात का इजहार किया, जिस पर हसन ने पुरउम्मीद होकर कहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब पूरी दुनिया इस ट्रेंड को फॉलो करेगी। उनका गीत इमरान खान इज अ सुपरमैन उस दौर में निहायत अछूता और मुनफरिद गीत था, जिसे सुनने वालों ने खूब पसंद किया क्योंकि ये अपनी तर्ज का पहला और वाहिद गीत था। इमरान खान उसका वतन है पाकिस्तान, अल्लाह ने शोहरत उसको दी, यूं मिली ये जिंदगी इमरान। इस गीत से मकबूलियत पाने के बाद हसन जहांगीर ने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म किया और अपने सुर के जलवे बिखेरे। वो बकायदा पॉप सिंगर्स के तौर पर पहचान बना चुके थे, हत्ता कि उनका स्टाइल लोगों में मकबूल होने लग गया था, जिस पर हसन जहांगीर ने अपना पहला एल्बम रिलीज करने का फैसला किया और इसके हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। 1986 में उनका एल्बम हवा हवा मुकम्मल हुआ, जिसे उन्होंने 1987 में रिलीज किया। इस एल्बम ने उनकी जिंदगी बदल के रख दी। इस एल्बम में मुतअद्दद गीत शामिल थे, मगर जिस गीत ने उन्हें लासवाल शोहरत अता की वो लासवाल गीत हवा हवा था। इस गीत के बारे में कहा जाता है कि 80 की दहाई में ये सबसे ज्यादा सुना जाने वाला गीत था, जो कराची से खैबर तक हर होटल, हर रेडियो और गाड़ी में सुनने को मिलता था। इस गीत की मुनफरिद धुन ने पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी खूब धूम मचाई, जिसके बगैर हर तकरीब अधूरी समझी जाती थी। भारतीय नौजवान इस गीत पर झूमते दिखाई देते थे। इस गीत की मकबूलियत का अंदाजा यहां से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ भारत में इस एल्बम की 15 लाख कॉपियां सेल हुई। इसके अलावा साउथ पंजाब में इस गीत के कई वर्जन बनाए गए। 2017 में रिलीज होने वाली भारतीय फिल्म मुबारका में भी इस गीत को शामिल किया गया और गुलकार मीका सिंह की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, जिसने भारत में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड किए। इस हवाले से हसन जहांगीर का मौकिफ था कि चूंकि इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे और उन्होंने ये गाना लिया, इसलिए हसन जहांगीर को कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि अनिल कपूर की फैमिली भी हसन जहांगीर के गीतों को पसंद करती थी और हसन जहांगीर के बकौल ये उनके लिए बड़े एहसास की बात है। हाल ही में कोक स्टूडियो के सीजन 11 में हसन जहांगीर ने पश्तो गुलकारा के हमरा इस लासवाल गीत को गाकर पुरानी यादें ताजा की। उस दौर में इंतहाई गैर मामूली म्यूजिक और शायरी के साथ साथ रिलीज होने वाले इस गीत ने धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इब्तदाई तौर पर जब हसन इस गाने की तैयारी कर रहे थे तो लोग इसकी शायरी पर तनकीद करते थे और कहते थे कि ये हवा हवा खुशबू लुटा दे, ये क्या बना रहे हो, जिस पर वो काफी मायूस होते, मगर उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और फिर उन्हें अपनी मेहनत का सिला भी मिला। जिस वक्त ये गीत रिलीज हुआ उस वक्त जियाउल हक की हुकूमत थी और पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री एक बड़ी सेंसरशिप से गुजर रही थी। एक बार जब हसन जहांगीर को टीवी पर परफॉर्म करने का मौका मिला तो इंतजामिया ने उन्हें हिदायत की कि उनके गीत में शामिल सतर मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे काबिले एतराज है, लिहाजा वो इसे तब्दील कर दें, जिस पर हसन जहांगीर ने परफॉर्म करते हुए वादा किया था कि एक बार मिला दे की तब्दीली कर दी है। इस गीत के हवाले से इंतहाई अहम बात जो बहुत कम लोग जानते हैं कि यह हसन जहांगीर की अपनी कंपोजिशन नहीं थी। हसन जहांगीर ने इसके अलावा हटो बच्चो, शादी न करना यारो, दिल है दीवाना, जिंदगी है प्यार, ये फैशन के नए रंग समेत कई दीगर गीत गाए। हसन जहांगीर ने कुछ अरसा गुलकारी करने के बाद नागुजीर वजूहात की बिना पर गुलकारी से किनारा कशी अख्तियार कर ली और मंजर आम से गायब हो गए, हालांकि ये उनके करियर के ऐन उरूज का जमाना था। इस दौरान किसी को उनके बारे में मालूम ना हो सका। तहम कई सालों बाद 2011 में हसन जहांगीर बंगाली गीत डोल डोल डोलनी के साथ पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में वापस लौटे। हसन जहांगीर आजकल कराची में मुकीम हैं, जहां वो खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास रहने के लिए अपना घर है और सफर करने के लिए अच्छी गाड़ी है। वो अपना गुजर बसर करने के लिए होने वाली तकरीबात में परफॉर्म करते हैं। अब वो पहले की तरह आवाम में मकबूल नहीं रहे। हसन जहांगीर ने 3 दहाइयों तक पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री की खिदमत की है, मगर अफसोस कि उन्हें हुकूमती सतह पर कोई एजाज नहीं मिल सका। गुजरते वक्त ने हसन जहांगीर पर भी अपना असर किया। उनके चेहरे पर बढ़ती उम्र के आसार नुमाया दिखाई देते हैं, मगर उनके अंदर मौजूद चुस्ती और फिटनेस उन्हें आज भी पहले वाले हसन जहांगीर के तौर पर दिखाती है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता करें। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मुनफरिद और मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा, सारे जहान तो सोनी मेरी अम्मा, कुड़ी ले आते मेनू चंद नाल सोनी, पढ़ी लिखी ना।